ए भाई, हे, कब से मैं वेट कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ तो कट क्यों कर रहे हैं? आज रक्षाबंधन है भाई, साल में सिर्फ एक ही बार आता है। आज के दिन अगर बहन से राखी नहीं बंधवाई तो भाई की जिंदगी बेकार है यार। ये ले राखी का लड्डू, मुझे ये सब नहीं खाना है, चल। क्या खेल रहे हो? चलो बेटा, सॉरी बेटा, तुम बुरा मत मानना, चलो तुम लोग भी। हे, हे मेरे लड्डू। सारे ब्रांड सुबह सुबह कौन पीता है यार? अरे कहाँ चला गया? और कलर है क्या? हाँ है, दिखा दो। अच्छा, मैं तुझे वहाँ ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ इस लड़की को देख रहा है। अरे यार, सुनीता से मेरी सेटिंग करवा दे, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। सबके सामने गुंडागर्दी करोगे और मैं चुप रहूंगा? सर सर, हमने कोई झगड़ा नहीं किया सर, वो लोग इस लड़की को छेड़ रहे थे इसलिए इसने उन्हें मारा। आप बताइए, ये सच कह रहा है? चलिए बताइए। हमारा इस झगड़े से कुछ लेना देना नहीं है, चलो बेटी। अब सर आप मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी बकवास बंद करो, चलो स्टेशन। भलाई का जमाना नहीं है। Thank you.
सर आप यहीं पर रुकिए। हमारे चाहने वाले जब हमारे साथ होते हैं तो हमारे अंदर कितनी हिम्मत होती है, लेकिन जब उनके ऊपर मुश्किल आती है तो उतना ही डर लगता है। हमारे आखिरी पलों में ही हमें हमारे पुराने पल याद आते हैं। सर खाना खा रहे हो? खा लीजिए, सारे गांव में दोबारा घूम कर आइए, मैं फिर बनाकर रखूंगी, फिर खा लीजिए। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है क्या? मर्डर करने वाले खूनी के जैसी लगती है। तुम बदलोगे बदलोगे सोचती रहती हूँ, दिन ब दिन और बिगड़ते जा रहे हो, और इतना डांटने के बाद भी कैसे बेशर्मों की तरह खा रहे हो। जाने वाला तो ऊपर आराम से है, नीचे रहने वाले परेशानी झेल रहे हैं। घमंड कितना है देखो तो। अब कहाँ जा रहा है? मेरी एक बात सुनकर जाओ, आज के बाद मुझसे पूछे बिना कदम बाहर निकाला ना तो टांगे तोड़ के रख दूंगी। तुम्हारे जैसा है सोचकर राजकुमार नाम रख दिया मैंने, और अब देखो कैसा गुंडे मवाली जैसा दिखता है। सेठ वहां हमें परफॉर्मेंस देना है, अपीयरेंस नहीं। वैसे भी इस मदिरा का इस गाने से कॉम्बिनेशन क्या है बिना मतलब का? उधर प्रोग्राम के लिए लेट हो रहा है सोचकर सुदर्शन टेंशन ले रहा है, चलो चलते हैं। अरे भाई ओल्ड वाइन का मेगा स्टार ट्रेंड के बीच का कनेक्शन क्या है जानते हो? दोनों ही एडिक्शन है यार। वैसे भी तू प्रोग्राम का टेंशन क्यों ले रहा है? वो तो राजू लेगा ना। वो क्या लेगा, वो पीकर टल्ली हो गया होगा, फोन भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहां नशे में पड़ा होगा। अरे अगर वो नहीं पिया हो तो डरना चाहिए, पीने के बाद मेरा राजू धर्मराज है, वो वादा नहीं तोड़ता। मैं इतना रिस्क उठाकर आई और आप लोग यहाँ आराम से गप्पे मार रहे हैं? हेलो लेने वाले सेठ हैं, हमें कुछ मत बोलो। ठीक है चलो चलते हैं। चलो फोन ले लो। चलो वाह मस्त लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, ज्यादा ना चढ़ जाए। ठीक है ठीक है। ए, सुन जितना पीना है पी लो, जितना खाना है खा लो, तुम्हारी मर्जी। भाई हमारा प्रोग्राम बहुत जबरदस्त हुआ इसलिए हमें खुश रहना चाहिए बस। Cheers. हमारा प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ फिर भी तुम इतना चुप क्यों हो?
आप खुश हैं? बहुत ज्यादा। आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। सुन, इसे रख ले, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। सुनिए। हाँ? मेरी सारी जरूरतें आप पूरी करते हैं तो फिर इसकी क्या जरूरत है? मुझे भी म्यूजिक बहुत पसंद है, पर पापा को बिल्कुल नहीं। हर बार छिप कर आना पड़ता है। तुम हमेशा अपनी पसंद के मुताबिक रहते हो और मैं भी तुम्हारी तरह रहना चाहती हूँ, पर कैसे? अपनी पसंद के मुताबिक अगर लाइफ ना चल रही हो तो लाइफ वेस्ट होती है। हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़े तो फायदा ही क्या है? मैं चलता हूँ। संभल कर जाना। गुड नाइट। इन सब में मैं ही सुंदर हूं, इसीलिए प्रपोज करते ही पट जाएगी। ड्रॉप करते वक्त मैटर बता दूंगा। चल जरा मुझे ड्रॉप कर दे। लाख रुपए खर्च करके तेरे लिए बाइक खरीदी है क्या? इस बाइक पर बैठने वाला या तो कोई बॉलीवुड स्टार होगा या फिर मेरी सुनीता होगी। चल भाग यहां से। अरे काना, भाग यहां से। कितना लेट हो चुका है ना, थोड़ा ड्रॉप कर दोगे क्या? प्लीज प्लीज, थैंक यू सुनीता। यस। हेलो, पीछे की सीट पर लड़की को बिठाना है तो तेरा बैकग्राउंड मजबूत करना होगा। आया बड़ा, चल। ये मेरी बदनसीबी है कि तुझे बिठाना पड़ रहा है, चल। सवाल को अच्छे से नोट कर लो, ठीक है? डाइम, 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 डाइम क्या हुआ है? माँ, कॉफी। अरे पापा। माँ, कॉफी। क्या हुआ, अचानक से कुछ सोचने लगी? ऑफिस में हो चाहे कॉलोनी में हो, सबकी नजर मुझ पर ही रहती है। आखिरकार एक कुंवारी लड़की जो हूँ, इतना तो सोचना चाहिए ना। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी। जब मैंने तुमसे शादी के लिए कहा तब घर में पापा थे और अब मैं हूँ। मेरे ऊपर मेरे फैमिली और मेरे भाई की जिम्मेदारी है, वक्त आने पर ही शादी कर पाऊंगा। रात को क्यों नहीं आया? अभी तो आ गया हूं ना। तुम्हारे प्यार के लिए मैं उम्र भर ऐसे ही खुशी खुशी रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी बात ना सुनने वाले अपने भाई के लिए मुझसे दूर रहते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। पद्मा, सांड जैसा है, देखकर नहीं चल सकता। hey, मेरे कमरे में तुम क्या कर रही हो? क्या कहा, तुम्हारा कमरा है? निकम्मों को कमरा देना ही बड़ी बात है। अब ड्रेसिंग टेबल तुम्हारे कमरे में है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मम्मी, मम्मी, क्या है? देखो, इसने मेरा सारा सामान फेंक दिया है। हमेशा आपस में लड़ते रहते हो तुम लोग। इसका कॉलेज में पहला दिन है,
जाकर छोड़ के आए इसे। कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी, पर इसके साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मत जाओ, यहीं रह जाओ। तुम दोनों की वजह से रोज मेरे सर में दर्द होता है। तू मैच के बीच में आकर हमारा मजाक खराब कर रहा है, साइड में हट। सुनकर भी घूर क्या रहा है हा? अबे तू बहरा है क्या हा? असल में मार खाने से ज्यादा क्यों मार रहे हो सोचकर परेशानी हो रही है। आखिर मारने का रीजन तो बताओ। ए, उस लड़की की जगह अगर मेरी बहन होती तो वो मां को आके बताती और मां मुझे बताती तो मुझे तुम्हारे साथ यही करना पड़ता। इसीलिए मैंने पहले ही ये सब कर दिया। ठीक है। भैया वैसे अपनी बहन कौन है? अबे तेरी तो। भाई हम अपनी बहन का पता लगा लेंगे, अब जाइए। और मार खाएगा क्या? आज प्यून को पकड़कर काम करवाना ही पड़ेगा। सर, आपका ही वेट कर रहा था। वैसे मामला क्या है तुम्हारा? डेथ सर्टिफिकेट चाहिए सर। किसका? तुम्हारे पापा या माँ का चाहिए? मेरा ही चाहिए। इंश्योरेंस क्लेम करना है सर। क्राइम कॉस्टली है तो 50,000 लगेंगे। ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ डिस्काउंट करिए ना। एक काम करो, तुम्हारे सारे घर वालों का फ्री में देता हूँ, उस पर अपना नाम लिख देता हूँ, तब सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे, तब अकल ठिकाने आएगी। चलो जाओ यहाँ से। प्लीज सर। भैया नमस्ते भैया। अरे चलो जाओ ना। भैया को बोलो मैं एक मिनट बता के आता हूँ। जरा जल्दी कीजिए। जी करता हूँ सर। जी ठीक। आपका भाई नीचे आया है।
बोलो, मैं बिजी हूँ, थोड़ा वेट। हाँ ठीक है सर। भैया बिजी है, थोड़ा वेट करने के लिए बोला है। वेट करने के लिए? अरे ये तो अब तक यही है, पकड़ा जाऊं तो दिमाग खाएगा। और कितनी देर वेट करूं? बता के आता हूं, रुको। सर वहां पर आपका भाई वेट कर रहा है, बुला लूं क्या? बिजी हूं बोल दो। मोबाइल में गेम खेल रहे हैं और बोलते हैं कि बिजी हैं। भैया थोड़ी देर और वेट करने के लिए बोला है। अरे बाप रे, बिजी है। भैया को एक और बार बता कर आता हूँ। जरूरत नहीं है भैया। आप फ्री हैं फिर भी दो घंटे वेट कराया। वेट करते हुए गुस्सा आया ना? तेरे बदलने का मैं 2 साल से इंतजार कर रहा हूं। मुझे कितना गुस्सा आना चाहिए? क्यों आया यहां? मुझे अर्जेंटली पैसे चाहिए। तुम्हारी जरूरत पूरी करना तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी नहीं कर सकता। देंगे या नहीं देंगे? नहीं दूंगा, और अगर होते तब भी नहीं देता। देखो अजय, कई बार हमारी गलती ना होते हुए भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। सर आप तो जो हुआ उसके लिए पनिशमेंट देने के लिए या उसका एक्सप्लेनेशन पूछने के लिए नहीं बुलाया है। वो मारने से या डांटने से नहीं बदलेगा। जब उसे खुद से रेस्पॉन्सिबल फील होगा तब वो बदलेगा। सो यू डू वन थिंग, कल अपने भाई को यहाँ लेकर जाओ, मेरा नाम बोल देना, नौकरी मिल जाएगी। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ओके? थैंक यू सर। बात है। तुम कभी भी कोई भी ट्यून बजाओ बहुत हिट हो जाती है। तुम्हारे अंदर एक मैजिक है। तुम यहां अपना टाइम बर्बाद मत करो। मुंबई में म्यूजिक कंपनी में मेरा एक दोस्त है, तुम बस एक बार जाकर उससे मिल लो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। अरे क्या हुआ? अरे अरे भाई, बार बार तुम इस तरह उठ के चले जाते हो, आखिर इसका मतलब क्या है? देखो इस बार तुम्हें जाना ही होगा। अगर ऐसा है तो आप ही चले जाइए। अरे जरा समझाओ इसे। क्यों इतना गुस्सा करते हो? उन्होंने तुम्हारे भले के लिए ही तो कहा है ना, सिर्फ एक बार जाकर तो ट्राई करो। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम लोग के कहने पे वहां चला जाऊंगा, मेरी लाइफ तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन मैं अपने मुताबिक रह नहीं पाऊंगा। तुम लोग हमेशा मेरे बारे में ही सोचते हो, तुम लोगों से दूर कैसे रहूंगा? वैसे भी सेठ खुश हैं तो हम सब खुश हैं। जहां सेठ रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगा। दोबारा इस टॉपिक पे बात मत करना। राज, राज।
सुनो, तुम हमेशा बाहर ही खड़े रहते हो, एक बार अंदर भी तो चलो। इस जन्म में मंदिर जाना तो मुश्किल है, अगले जन्म में देखूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। शशि, राजू क्या हुआ? तुमने कहा था इस जन्म में कदम नहीं रखूंगा। हाँ, अरे भगवान यहाँ है, वहां कहाँ देख रहे हो? कुछ नहीं, आप जाइए, मैं आता हूं। फुलाकर गुस्से से देखना छोड़कर हंसकर एक बार मुझसे बात कर सकते हो ना? वैसे भी तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि वहाँ रहना चाहिए, क्या कहते हो? Now it's perfect. मना करने पर उसके साथ भेज दिया, वहां उसने किसी और को मारा और वहां मुझे सस्पेंड कर दिया। ए तू चुप रह, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो तुम, खाना क्यों नहीं खा रहे? कल राजू स्कूल के ऑफिस आया था, कल सुबह उसे रेडी रहने के लिए बोलना, उसके लिए जॉब का इंतजाम किया है। खुद ही बता देना। माँ वो कभी भी मेरी कोई बात नहीं सुनता है। माँ बात यह नहीं है कि मुझे उसके व्यवहार से बुरा लगता है, बस चाहता हूं कि उसे जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। मां उसे आप ही समझा देना। थोड़ा तो खा लो बेटा। काफी टाइम हो गया, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? टाइम हो चुका है ये सोचकर, या मैं थक गई सोचकर, नींद नहीं आती है बेटा। जब जब मन शांत होता है ना, तभी सुकून की नींद आती है बेटा। अब क्या हुआ? इधर इधर आओ बैठ, मैं बताती हूँ। बैठ। पहले कैसे रहता था तू? जब रेडी होता था तो राजा बेटा जैसा लगता था, और अब देख ये दाढ़ी, ये हाल। तुझे खुश देखकर कितने दिन हो गए बेटा, कितने साल बीत गए हैं। मैं तुम्हारा ये हाल नहीं देख सकती। तेरा भाई बेचारा हो, वो अकेला ही इस परिवार की सारी जिम्मेदारी निभा रहा है, सब अकेले ही कर रहा है। मुझे सच में बहुत बुरा लगता है बेटा। तू, मैं, तुम्हारी बहन उस अकेले की पगार पर निर्भर है। उसने कभी कमी रखी है क्या?
उसने तो अभी तक शादी तक नहीं की। इसके बारे में कभी सोचा है? तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? उसने तेरे लिए एक बहुत अच्छी नौकरी देखी है। मेरा सोना, सुबह उठकर रेडी हो जाना बेटा, वो तुझे लेकर जाएगा। अब जाओ आराम करो, ठीक है? जाओ, जल्दी से सो जाओ। जाओ बेटा। ठीक है माँ। हाँ? कुछ नहीं माँ। जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? माँ ने तुझे बताया नहीं? किसके बारे में? किस बारे में क्या मतलब? रात को इतना समझाया था। क्या समझाई थी? अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे सुनो, ये क्या कर रहे हो? अरे सुनो, देखो सब देख रहे हैं। सुनो, कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? मेरी बात तो सुनो। सुनो माँ, रुको। अजय, ये क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं तुम्हें। तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे घर की इज्जत को पहले ही ये सड़क पर ला चुका है। देख क्या रहा है, दाढ़ी बना इसकी। एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? ए राजू, अजय। मैं किसी के लिए नहीं बदलूंगा, अपनी मर्जी का मालिक हूँ मैं। वो तेरे भले के लिए बोल रहा है, दाढ़ी कटवा ले आकर। चीटिंग मत कर दो। अरे चीटिंग कौन कर रहा है, बताओ ना इसको सेठ। अरे यार तू खेल ना, हमेशा आप भी इसे ही सपोर्ट करते रहते हैं। हाँ चल चल खेल तो। आराम से, पाउडर ज्यादा है। हाँ ठीक है। योर टर्न। अरे मेरी बारी है। कैसे लगी? खून निकल रहा है। क्या हुआ? ए राजू, क्या हो गया? बाइक स्लिप हो गई थी। अब लाओ दो। अब कुछ नहीं हुआ बोलते हो? देखो कितनी गहरी चोट लगी है, थोड़ा ध्यान से ड्राइव नहीं कर सकते हो क्या? इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? इससे मैं इरिटेट हो रहा हूं। अरे ए, अरे अरे राजू कहां जा रहा है? बेटा उसकी बात का बुरा नहीं मानना, तुम तो जानती हो ना उसे। उसके गुस्से के लिए बुरा नहीं लग रहा, उसकी चोट देखकर तकलीफ हो रही है।
मैडम। मैडम हमें भी प्यार से देखो, मेरे साथ आ जाओ, जान भी दे देंगे हम। हम सब एक साथ नहीं, एक एक करके प्यार करेंगे, तभी तो हमें मजा आएगा ना मैडम। ये चुप क्यों, हाँ हमें भी तो थोड़ा प्यार दो। भाभी, भैया को इस बारे में मत बताना। खुश रहो। पैसे लुटेगी है तेरे पास। ठीक है ना? बहुत है ये। बेचारा सारी जिम्मेदारियां निभाता है। तुम भी लो माँ। तुम ले लो बेटा। ए, सुनो ये आ गया है, इसको बांध दो, नहीं तो ये फिर से बाहर चला जाएगा, इतना बिजी जो है ये। एक और राखी रहनी चाहिए ना बांधने के लिए। ये क्या है, ये भी तो तुम्हारा भाई है ना, इसके लिए नहीं खरीदी? हर बहन उसका सहारा बनी इसलिए राखी बांधती है, अगर वही भाई प्रॉब्लम में हो तो खराब लगता है, उसको मैं नहीं बांधूंगी। उसने क्या किया है वो उसकी प्रॉब्लम है। ऑफिस जा रही हूँ पापा। बेटी एक मिनट। प्यार को शादी में बदलकर जिम्मेदारियां निभाने जितना बड़ा मन बेटी होने के नाते तुम्हारे पास होगा, लेकिन प्यार को मान के इतने साल बाद भी अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाया, इसका मुझे बहुत दुख है। मुझे देरी हो रही है पापा, मैं निकलती हूँ। हाय। हे, तुम यहाँ कैसे? राजू भैया है क्या? क्यों? क्यों मतलब राखी बांधने आई हूँ। क्या उसको? इतना हैरान क्यों हो रही हो तुम? सस्पेंड होकर घर पे हो ना, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। कॉलेज आती तो तुम्हें पता चलता तुम्हारा रेंज क्या है। कॉलेज में लड़कियों की ओर आंख उठाकर देखने के लिए भी लड़के कांपते हैं। असल में उस दिन कॉलेज में क्या हुआ था जानती हो क्या तुम? ए लड़की। हेलो, इधर आ। तू इधर आ, आजा आजा। क्या नहीं हो? हाँ हाँ सर, फर्स्ट ईयर मैकेनिकल। मेरा मतलब तू मैकेनिकल या बॉटनिकल है ये नहीं है, मतलब तू फ्रेश और मेंटेन्ड है।
साइलेंट खड़ी है मतलब इसे भी अपनी बातें अच्छी लग रही होगी। सही कहा। ओए, बिना परमिशन लिए जा कहाँ रही है? रुक। तू बहरा है क्या? हाँ? बहन की प्रॉब्लम पर रिएक्ट करने वाले भाइयों को बहुत देखा है मैंने, लेकिन बहन को प्रॉब्लम होगा ये सोचकर पहले ही रिएक्ट करने वाला भाई वो सिर्फ तुम्हारे घर में देखा है, इसीलिए ऐसे भाई को राखी बांधने आई हूँ। ए भाई, hey, कब से मैं वेट कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ तो कट क्यों कर रहे हैं? आज रक्षाबंधन है भाई, साल में सिर्फ एक ही बार आता है, आज के दिन अगर बहन से राखी नहीं बंधवाई तो भाई की जिंदगी बेकार है यार। ये ले राखी का लड्डू, मुझे ये सब नहीं खाना है, चल। खेल रहे हो? चलो बेटा, सॉरी बेटा, तुम बुरा मत मानना, चलो तुम लोग भी। हे, हे मेरे लड्डू। सारे ब्रांड सुबह सुबह कौन पीता है यार? अरे कहाँ चला गया? और कलर है क्या? हाँ है, दिखा दो। अच्छा, मैं तुझे वहाँ ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ इस लड़की को देख रहा है। अरे यार, सुनीता से मेरी सेटिंग करवा दे, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। मार्केट में लड़ाई, सबके सामने गुंडागर्दी करोगे
और मैं चुप रहूंगा। सर सर, हमने कोई झगड़ा नहीं किया सर, वो लोग इस लड़की को छेड़ रहे थे इसलिए इसने उन्हें मारा। आप बताइए ये सच कह रहा है? चलिए बताइए। हमारा इस झगड़े से कुछ लेना देना नहीं है। चलो बेटी। अब सर आप मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी बकवास बंद करो, चलो स्टेशन। भलाई का जमाना नहीं है। हाँ ठीक है, चलो रिपोर्ट। ठीक है सर। हाँ, और देखो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेके जाओ। कितनी महान लड़की से प्यार किया है तूने, फॉलो करने पर भी तुझे देखती तक नहीं। क्या हो गया? तुमने उसके लिए झगड़ा किया और उसने बिना सोचे समझे तुम्हें यहाँ भेज दिया। छी, कैसा प्यार है पता नहीं। क्या हुआ? अब खड़ा हो जा सर, आए हैं। मार्केट तुम्हारे बाप का है, इतना सारा नुकसान कर दिया। अब सर वो क्या है ना, उस लड़की को। ए चुप, ये तो शक्ल से ही मवाली लगता है। ए हवलदार सर, इसे अंदर डालो और केस फाइल करो। सर 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 सर, हाँ बोल। मैं इसे जानता हूँ सर, जरूर कुछ गलत फहमी हुई है, ये बहुत अच्छा लड़का है सर, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। इस बार इसे छोड़ देता हूँ, अगर फिर से झगड़ा किया हाँ। तो अंदर डाल दूंगा। थैंक यू सर। ए हवलदार, इसकी डिटेल्स लेके छोड़ दो, चल। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। चलो आप। ए राजू, कुछ तो बोल, आखिर लफड़ा क्या है? ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। कौन लड़की? अरे अब ये इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है, चल। मेरी बेटी पे हाथ कैसे उठाया? क्यों? गुस्सा आ रहा है? इससे भी 10 गुना ज्यादा गुस्सा मेरे अंदर है। इतने दिनों से इसके पीछे पागलों की तरह घूम रहा हूं, जानते हुए भी हर रोज मुझे एक नए इंसान की तरह देखती है। इसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो रिएक्ट मैं करता हूँ, इतना सब होने के बाद भी नहीं बोली, ये पागल है क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जाओ यहाँ से। आखिर तुम समझते क्यों अपने आप को? मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से। क्यों चला जाऊँ? हाँ? क्यों चला जाऊं? मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। अच्छा सुनो, आखिर हुआ क्या है? जाने बिना आपस में लड़ने से अच्छा है यहाँ खड़ी आपकी बेटी से पूछने की हुआ क्या है, उससे पूछ लीजिए, वो सब कुछ बता देगी। चुप रहिए आप। इतने सालों से जिस बात को 4 दीवारी के अंदर छिपा के रखा था उसे सबके सामने ला दिया। अगर लड़की खूबसूरत ना हो तो न जाने लोग क्या क्या कहते। अगर लड़की के चरित्र में कोई कमी हो तो दुनिया क्या कहती है जानते हो? मैंने तुम पर हाथ उठाया इससे उसे तकलीफ हुई होगी, लेकिन मेरे सामने तुम उस पर हाथ उठाओगे तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए? मैंने सही किया या गलत ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी किसी भले लड़के के साथ करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता है। किसी भी कारण से अगर बेटी रात को देर से घर आए तो हमारी सांसें रुक जाती। तुमने उस पर हाथ उठाया और उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, यही सोच रहे हो? ये उसका प्यार है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल रही है? छोटे बच्चों में भी डे बाय डे मैच्योरिटी आती है, बात को समझने की कोशिश करना। मेरी बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए किसी भी बात को समझ नहीं पाएगी। इसी वजह से उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, ये जानबूझकर नहीं किया। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं, तुम यहां से चले जाओ, चाहे वजह कुछ भी हो। मेरी बेटी की गलती के लिए मुझे माफ करना। चल।
राजू दुखी मत हो बेटा, वो लड़की दिखने में तो सुंदर है लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि वो प्रॉब्लम में है। उसे भूल जा, शायद तू अनजाने में उसे चाहने लगा था। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वो लड़की प्रॉब्लम में है तो मैं उसे छोड़ दूँ? ये कैसा प्यार होगा सेठ, उसकी खूबसूरती देख के उसका पीछा नहीं किया। मेरी लाइफ में वो लड़की मुझे दोबारा मिली है, वो कोई और नहीं है सेठ। 2 साल पहले जिसे मैं प्यार करता था वो वही है। ये तुम क्या कह रहे हो, मतलब तुम उसे पहले से जानते हो? बोलो राजू। हाँ सेठ, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वो भी मुझे जानती है। पूरी बोतल को एक सांस में पीना पड़ेगा। रेडी, 1, 2, 3। चल जा यहां से, जाना। ए शशि, क्यों बे डरकर भाग रहा है क्या? चल। मेरे बच्चों, इस पवित्र होटल में तुम दारू पीकर झगड़ा करते हो। बच्चों मतलब मैं ही तो आपका इकलौता हूँ। हे प्रभु, एक पवित्र पुत्र मांगा था, ऐसा पवित्र पुत्र क्यों दे दिया मुझे भगवान? आप ही ने तो बीज बोया था। जीसस, वैसे झगड़ा क्यों हुआ? इस शशि ने ही सर पहले झगड़ा शुरू किया था। क्या कहा? मैंने झगड़ा शुरू किया? तेरी तो क्या कर रहा है? क्या जीसस, आप मेरे सामने ही झगड़ा करोगे क्या? शशि, तुम पीते हो इस कॉलेज में सब जानते हैं, चाहे कुछ भी हो दोनों एक हो जाते हो ये भी पता है, इसको यही पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए। आमीन। तुम्हें हॉस्टल से जाना होगा। डैडी, मैंने शशि को जाने कहा था। आपने ही तो कहा था, चाहे कुछ भी हो दोनों हमेशा साथ में रहते, तो अब भी है। मैं जानता था कि तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए इसके फादर को बुलाया है। अब तुम लोगों का जो हाल होगा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। अब तक जो मैं ना कर पाया सर, उसे आपने कर दिया। मैंने इन्हें कितनी बार कहा तुम लोग ये हॉस्टल छोड़कर चले आओ, हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी सर। अब मैं देखता हूँ। हाँ।
किडनैपर्स की तरह तूने फेस पे मास्क क्यों लगाया? निकालना। कोरोना का नया स्ट्रेन आया है, जान का खतरा बढ़ गया है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी है। थोड़ा दूर है ना मुझसे? श्योर। हाय हाय हाय। अरे तेरे चेहरे पे कुछ आ गया है, रौनक आ गई है। क्या गाल है, एकदम गुलाब की तरह। अरे फ्रेंड्स कहाँ हो तुम लोग यार, आज शादी है मेरी। सरप्राइज गिफ्ट है, भेज दिया क्या? आ भी जाएगा? हाँ, मैं गिफ्ट ओपन करके फोन करता हूँ। हाय हाय। बुरखा गर्ल हो, वाह गिफ्ट कहाँ है? मैं ही गिफ्ट। आप गिफ्ट हो? मेरे फ्रेंड्स भी टू मच है, सुनिए ना, रॉन्ग टाइम है। अच्छा? इस वक्त ना मेरा मन और मैं अपनी पत्नी के लिए समर्पित हैं। अरे गुदगुदी हो रही है। ठीक है, काम करते हैं, ओनली वन केस। हाँ ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तुम लोग पीछे जाओ, आ रही है यार ये, जल्दी करो वरना भाई आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दी चलो। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉस्ट्यूम का खर्चा कम हो जाएगा, पूरी बॉडी भी कवर हो जाएगी और कलर भी मैच हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, अरे सुनिए, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो इसको, चलो। हेलो मैडम, मुझे इस बुर्खा का सिस्टम बहुत ही पसंद है, इसकी खासियत यह है कि यह बहुत फ्लेक्सिबल ड्रेस है, और एक्चुअली क्या है कि मैंने आपकी ड्रेस की तारीफ क्या की, आप तो मुझ पर विदाई हो गई, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल थोड़ा कंट्रोल कीजिए, पब्लिक बहुत है। वैसे मैं लगता है अब बाज नहीं आएंगी, लगता है आप सनी लियोनी के फैन है। एक मिनट, हाँ पहले किससे शुरू करते हैं। अरे आप गे है क्या? सर सर जल्दी करो, जल्दी उठाओ। और सब बढ़िया चल रहा है? और बताओ तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है, सब ठीक है ना? आप क्या सेवा से डॉक्टर बन गया? अरे तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? नमस्ते जी। अरे क्या हुआ इसे? चक्कर खाकर नीचे गिर गए, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये डॉक्टर है, इसको दिखाओ ना, ये देख लेगा क्या हुआ। सर ये तो प्रेग्नेंट है। अच्छा, ये तो खुशी की बात है। बात का तो इंतजार कर रही थी अंकल, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ जाओ, चलो जल्दी करो। सर हाथ पकड़ते ही पेट से बोल दिया, कितना बड़ा डॉक्टर बन गया है तू। ओके अंकल। चाचा जी। हाँ क्या हुआ बेटी? दूल्हा दिखाई नहीं दे रहा है। डर गया? इसका मतलब इन लोगों ने दूल्हे को किडनैप किया है। तुमने देखा वो हमें फॉलो कर रहा है। कौन? ए! हाँ? हे भगवान, अब ये कहाँ से आ गया? अब क्या? जल्दी चलाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। कौन हो आप लोग और मुझे क्यों किडनैप किया है? मेरे पापा के पास कुछ पैसे वैसे नहीं है, वो तो एक किसान है। ए, रुक जा। किस लिए सिटी बजा रही हो? कौन आने वाला है? देख लो। फातिमा बुलबुल, ये सब तुमने करवाया है? ऐसा नहीं है जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप जानते हैं ना मैं आपके बिना नहीं जी सकती। तुमसे शादी करके मेरी बर्बादी। छी छी छी। तुमसे शादी करूंगा तो मारने की धमकी दी है पापा ने, मरने से अच्छा मैंने शादी करनी है सोचकर तुमको सैक्रिफाइस कर दिया। चलो तुम भी अपना छोटा दिल बड़ा कर लो और किसी अकबर या अजरुद्दीन से शादी करके एक दमदार बच्चे को पैदा करके उसका नाम मेरे नाम से रख देना, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बार मेरी बात सुनो जी। नको बोला ना, नको। ए, ये क्या बोल रही हो तुम? इसकी शादी हो रही है ये कहकर तुम रोई जा रही थी, रिस्क उठाकर इसे लेकर आए, तो रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो? खेलने वाले को ना होने वाला दर्द देखने वाले को क्यों होता है? तुम क्या कर रही हो बीच में फेरन लवली? चलो बाजू में जाओ। अरे जी, ए चुप रह पागल। मुझे पड़ी है, प्यार करने वाले के दर्द को दोस्त ही समझते हैं, तुम जैसे लोग लड़की को देखकर पीछे पड़ जाते हैं, दुनिया भर का प्यार देते हैं, पूरी दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं ऐसा बिहेव करते हैं, इतना प्यार देने के बाद हमें छोड़कर चले जाते हो, इसके बाद हमारा क्या होगा इस बारे में सोचा है? अब इसका क्या हाल होगा?
इसे कुछ भी ना हो इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। चलो चलकर शादी करो। मैं नहीं करूँगा, तुम चाहे जो कुछ क्या भी कहा करो। नहीं करोगे? जरा वो देना मुझे। अरे कुछ दे दे इसको। ऐसा मत करो, मान जाओ ना जी। तुम क्या कर रहे हो? हेल्प करने के लिए आए हो ना, तो ऐसे खड़े क्यों हो जैसे सिनेमा में हीरोइन को देखकर हीरो खड़ा रहता है। आकर बचाओ। शादी कर लेना यार। ये लो मंगल सूत्र पहनना पड़ेगा। ओ मंगल मंगल आए। अपनों ने लूटा घरों में कहां दम था, मेरी कश्ती की डूबी वहां जहां पानी कम था। ये लो अब पवित्र अग्नि में इसको डालो। अब इसकी भी कमी थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बुलबुल, लेकिन मेरे पापा जातिवाद मानते हैं ना, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन अब हमारी शादी हो गई है, अब हम टॉम जेरी की तरह एकदम खुश रहेंगे। पापा तू इस लड़की से इतना प्यार करता है, अगर बताया होता तो मैं खुद तेरी शादी करा देता। माफ कर दीजिए पिताजी। God bless you, God bless you। आपको ये भाषा भी आती है? मुझे और भी भाषाएं आती है। Go and check cupboard. Wow! So pretty! My God! Go to balcony. Shelton. इस देरी तो मैं। ए, मिरर नीचे, नीचे कर। दिखता नहीं है क्या? कैसे चलाती हो? मैंने देखा नहीं। I'm so sorry. क्या sorry? निकलो बाहर, निकलो, बाहर निकलो। Sorry जी. Please. समझने की कोशिश कीजिए, मैं थोड़ी घबराहट हो रही हूँ। रुक जाना यार, अब बेचारी लड़की है, सॉरी बोल रही है यार। जाना यार, कोई बात नहीं, जाने ले, बात नहीं, इट्स ओके। अरे छोड़ यार, जाने दे, चलना, चल यार, चलते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके, मैं चलती हूँ। आपका एड्रेस। थैंक यू, बाय बाय। हे चल। चलो बेटा केक काटो। एक्चुअली केक कट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, इतने बिजी वक्त में भी हमारा ख्याल रखती हैं, और कोई नहीं हमारी माँ। हमारी हर मांग को पूरी करते हैं और हमारी हर जरूरत का ख्याल भी रखते हैं। हमारे पीछे रहकर हर वक्त हमारा सपोर्ट करते हैं, वो और कोई नहीं है पापा। आई लव यू पापा, यू आर द बेस्ट। Thank you. चलो अब केक काटो। Hey, let's play truth or dare. Danger वाला छोड़ के कुछ easy दो ना यार। वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है ना, मेरा जानू मारता है। देखो ऐसे बहाने मत दो, हम truth or dare खेल रहे हैं, करना पड़ेगा, okay? जरा उधर देखो, पीते हुए कोई लड़खड़ा रहा है, उसके हाथ का शॉट पीना पड़ेगा। Come on, move. Come on, yeah. Happy birthday. Thank you. Mm.
ये खाली कैसे हो गया? You did it, baby. Well play. Come on. शशि, उस डोर से नेक्स्ट जो भी आएगा तो मैं उसे किस करना होगा? What? Yes. Me? Yes. करना पड़ेगा. करना पड़ेगा. करना पड़ेगा. शशि, शशि. मैं तो गई काम से, अब क्या होगा? ए, क्या ये? अरे आना यार, चल। मुझे ठीक है, मैं जाता हूँ, तू बाद में आराम से कर ले, हम कर ले। Oh God, जाओ जाओ, जाओ, all the best. Okay. बेटी हाँ? मैं कॉलेज तक ड्रॉप कर दूं क्या? क्यों पापा, मैं चली जाऊंगी। क्या हुआ पापा, ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बचपन में जब मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर वापस आता था तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। अब तुम घर छोड़ के जा रही हो तो बहुत बुरा लग रहा है। अभी से इतना दुखी हो रहे हो, कल शादी करके कैसे भेजूंगा? नहीं भेजूंगा, मेरा बस चलेगा तो मैं घर जवाई लेकर आऊंगा। एनी प्रॉब्लम? जाओ बेटा, तुम्हें देर हो रही होगी। बाय पापा। बाय। अरे बाप रे, पहले तुम जाओ। बाप रे, आज तो हम चले गए। क्या हुआ, रुक क्यों गई? रैगिंग। क्या रैगिंग? तो हमारा गैंग कब काम आएगा? हाँ, हमारे गैंग को देखकर सबको डरना चाहिए। सही कहा तुमने। तुम्हारे हो तो है कैसा डर? चलो लेट्स गो। पाउडर लगाना आता है? नहीं आता ना, सिर्फ खाना आता है। चल निकल यहाँ से, निकल। हेलो 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 हेलो, ब्यूटीज इधर आओ, आओ आओ। इतना स्मार्ट इंसान बाइक पर बैठा है और इतनी धूप में रैगिंग कर रहा है और तुम लोग चुपचाप निकल रही हो। आंखों में लगाने वाले काजल जैसे हो तुम स्मार्ट कैसे हो सकते हो? जहाँ टच नहीं करना चाहिए था वही कर दिया। खैर एक बात बताता हूँ, सुनो। पुलिस स्टेशन में जाते वक्त और कॉलेज में पहली बार आते वक्त इज्जत से और जबान संभाल के जाना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा नोटिंग करने से बहुत जलने लगती है। राइट नाउ मेरी वहीं पर जल रही है, इसलिए काजल आंखों पर नहीं अपने चेहरे पर लगाकर घूमती रहना। चल निकल, निकल, चल निकल, डबल लेकर कहीं की। Hey, please, come. नाम क्या है? शशि सर। लुक्स में कुछ खास नहीं, ठीक ठाक हो, एवरेज हो, बट कवर के लिए कौन से कॉस्मेटिक्स यूज करती हो? तुम रो क्यों रही हो? मुझे नए लोगों से बात करने में डर लगता है, ऐसे में रैगिंग का नाम सुनकर डर लग रहा है। डरी हो ठीक है, पर किसी ने देख लिया तो सोचेंगे मैंने कुछ कर दिया। तुम जाओ इसे, जाओ 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 जाओ, अरे जाओ ना। तो मेरे फ्रेंड, हाँ हाँ, उन्हें भी साथ लेकर जाओ, जाओ जाओ जाओ। ए, ए, उन्हें भी जाने दो, जाने दो। ठीक है भाई, ठीक है। ए, चलो रे, चलो चलो। वहाँ हम कैसे हैं, हमारा गैंग कैसा है कहकर गैंग लीडर की तरह बिहेव करने के बाद यहाँ ऐसा बिहेव क्यों किया? कहाँ झुकना है, कहाँ नहीं झुकना है, ये जानना जरूरी है। ऐसा हमारे पावर स्टार पवन कल्याण ने बोला है, सही है ना? खेलते वक्त फ्रेंड्स ने ऐसा करने को कहा तो करना पड़ा, सॉरी। ठीक है, एक दिन मैं भी ऐसा गेम खेलूंगा,
जब मेरा टर्न आएगा तब मैं बताऊंगा। थैंक यू। कैसा है तू? अच्छा हूँ भैया। शशि कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छे से पढ़ाई करना, टाइम वेस्ट मत करना। एक मिनट बहन से बात कर। हेलो भैया। और दो कब आ रहे हो? क्यों, मेरे आने के लिए पूछ रही हो या फिर अपने गिफ्ट के लिए? गिफ्ट के लिए। लेके आऊंगा। अरे आराम से, लगता है तुझे चढ़ गई। सॉरी डैड। अरे कोई आज आपके आने की खुशी में ज्यादा पी ली। चला जा, आराम से बैठ जा, आराम से, आराम से संभल कर। आपको देख के मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ। आपका बेटा आपके साथ बैठ के पीता है और आप उसे कुछ बोलते ही नहीं। वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, दोस्त है। सिर्फ बेटा मानूंगा तो मैं उसे कंट्रोल करने लगूंगा, और अगर उसे दोस्त मानूंगा तो उससे बस वैसा ही व्यवहार करूंगा। म्यूजिक के सिवा मुझे और कुछ नहीं आता था, तभी मेरी जिंदगी में ज्योति आई, और नाम की तरह ही उसने मेरी अंधेरी जिंदगी में उजाला भर दी। ऑर्केस्ट्रा बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, फिर भी हम खुशी से जी रहे थे। एक दिन उसने इसे जन्म दिया और खुद मौत की गोद में चली गई। अचानक मेरी जिंदगी थम सी गई थी, मैं फिर से अकेला हो गया था। मैं मरने की सोच ही रहा था कि उसी वक्त ये रोया और मुझ में जीने की आस जगी, और फिर मैंने सोच लिया कि आज के बाद इसे मैं कभी भी रोने नहीं दूंगा और मैं सिर्फ इसी के लिए जीऊंगा। नुकसान में चल रहे ऑर्केस्ट्रा को बंद करके मैंने जॉब पकड़ा और इसे मैंने हमेशा खुश रखने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए काम करने की जगह जो अपनी खुशी के लिए काम करता है उससे बहुत सुकून मिलता है। और म्यूजिक मेरे लिए बस वैसा ही कुछ है। अच्छा एक बात बता, तेरा किडनैप वाला पति तुझसे प्यार करता है या टॉर्चर करता है? मेरा जानू उधर आ गया। हुँ? देख। हाँ, मर गई मैं। बहुत हो गया, बैठ जाओ। बिना पूछे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तो अच्छे से बोल लेते हो, लेकिन कोई क्वेश्चंस पूछो तो उसके आंसर नहीं दे पाते हो। ये क्या ट्विस्ट है? तुम्हारा नाम क्या है, गांव कौन सा है, क्या करते हो पूछकर मुलाकात करते हुए पढ़ाने वालों में से मैं नहीं हूँ। तुझे पता है? नहीं, उसे पता। I am the most sincere, सर फोड़ दूंगा, मेरी तरफ देखो। I am the most sincere and strict professor of this college. ये यहाँ क्यों आया है? ये प्रोफेसर है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे नाम पूछा था लेकिन काम नहीं पूछा था, इसीलिए नहीं बताया मैंने। तुमने तो फंसा दिया मुझे। चुप कर। इसकी सुनी सुनी लगती है। Excuse me. Excuse me, तुमसे। Hello. Stand up. मैं? हाँ तुमसे। उठो। रिवेंज के लिए कई दिनों से इंतजार कर रहा था, बहुत ही अच्छी जगह पर मिल चुकी हो। रॉबरी करके पुलिस स्टेशन में छिपने की तरह। इसे कुछ मत कहिए जी, ये मेरी फ्रेंड है। खामोश। रिलेशनशिप्स रियल एस्टेट में चलते हैं। दिस इज कॉलेज। आई एम द प्रोफेसर एंड यू आर माय स्टूडेंट। चलो उसे अंदर डालो। दैट डजंट वर्क। स्टैंड अप ऑन द बेंच। आई एम कमिंग टू यू। मारे जाओ, प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाएगा। बैठ जाओ। और तुमने मेरी नोज पर मारा था, उसका पेन कैसा था जानती हो? वन डे नहीं, टू डेज नहीं, फोर इयर्स रहोगी यहीं पर, नर्क दिखाऊंगा तुम्हें। कहीं तो सुना था यार, म्यूजिक इज सपोज टू हैपन। तू हैपन है यार।
सोचता था कि म्यूजिक मेरा पैशन है, लेकिन वो तो बस मेरे साथ पैदा होने वाला एक इमोशन है। ये बात मुझे कल समझ में आई। हाँ यार, लाइफ में कंप्रोमाइज तो एक एडजस्टमेंट है, और पूरी लाइफ रहे तो पनिशमेंट। म्यूजिक डैड की जान है यार, उन्होंने किसी भी कंडीशन में छोड़ा हो पर उसकी वजह मैं हूं। आगे नो कंप्रोमाइज यार, डैड को म्यूजिक में वापस लाऊंगा। लेट्स स्टार्ट ए बैंड। अगर हमें जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो हमें अपनी कमजोरी को हराना होगा। अकेलापन किसी भी इंसान को शराबी बना देता है यार। मेरे होते हुए तू खुद को अकेला महसूस कर रहा है। खाते वक्त भी फोन पर। फ्रेंड है माँ, कल कॉलेज में फ्रेशर्स डे है, मैसेज आया है। बहुत अच्छा प्ले किया, रियली वेरी वेरी नाइस। थैंक यू, पर आपके जितना नहीं सर। म्यूजिक इतना आसान नहीं होता, लोगों को पसंद है उतना काफी है। बाय द वे, आई एम शशि। व्हाट अ सरप्राइज, मेरा नाम भी शशि है। म्यूजिक का शौक ही नहीं, बल्कि हमारे नाम भी सेम है ना। अब मुझे जाना चाहिए, लेट हो रहा है। ओके, बाय बाय। सर ऐसे कैसे पास कर देंगे आप, जरा एक बार सोचिए तो सही। कल को मेरा क्या हाल होगा इसके बारे में सोचा है? हाँ वही तो, मेरे रेपुटेशन के बारे में जरा सोचिए, वही तो बोल रहा हूँ। शास्त्री सर। कौन है? यस, शर्म नहीं आती आपको? एक लेक्चरर होकर लड़की को छेड़ते हुए? देखो यहाँ पर दो बातें हो रही है, एक तुम्हारे बताने तक पता नहीं चलता है कि तुम लड़की हो, और दूसरी बात अगर छेड़ना ही है तो घर में मेरी वाइफ है उसको छेड़ूंगा ना, लेकिन उसको छेड़ने की ताकत मुझ में रही नहीं। मैं अपनी मम्मी को बुलाऊंगी। हाँ तो मैं अपने पापा को बुलाऊंगा। अजीब फैलोजिनेशन है इनका। अच्छा तो ये इसका काम है। चलो चलो चलो, चलो। लवली, अभी देखता हूँ तुझे। आज तो बहुत मजा आया। अरे मेरे जानू। क्या है, बहुत ज्यादा उड़ रही हो क्या? सोच रही हो रिवेंज के नाम पे क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा बेंच पर खड़ा करेगा या फिर चौक पीस से मारेगा? तुमने सिर्फ मेरा लेक्चर का एंगल देखा है, उठाने वाला एंगल नहीं देखा है। एक चुटकी बजाते ही मेरी गैंग आ जाएगी, मिनटों में तुम्हें खत्म कर देगी। तो फिर बजाइए चुटकी। अच्छा इतना कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी बदनसीबी है। अरे कहाँ मर गए सबके सब? मेरा बताया वो स्किन केयर का इस्तेमाल कर फिर देख। ए जाना। अबे क्या है यार? सर आप है, चुटकी बजाने पर तुम लोग आए क्यों नहीं? आजकल हर कोई कुछ बताने के लिए चुटकी बजा रहा है, कल किसी ने जिप लगाने के लिए चुटकी बजाई। आप खुद अपनी जिप लगा लीजिए, मैं बिजी हूं। मेरी जिप नहीं नाड़ा है यार। अरे एक लड़की मुझे सता रही है, भी बताइए वो कौन है, आज तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। डेफिनेटली तो ये होगी। चल चल, ये मेरी वाइफ है, फातिमा बुलबुल है यार। आपका टेस्ट भी इतना घटिया है सर? अब ये जानना जरूरी नहीं है, जिस काम के लिए आए हो वो करो। आपका फैमिली मैटर है, आप ही देखिए। अगर यहाँ पर कोई स्टार है तो प्लीज जरा मेरे सामने आ जाइए। हाय दीदी। हाय। आप भी इसी क्लास की है? एक पांच मिनट बाहर आएंगी क्या, मुझे जरा वॉयलिन के बारे में पूछना है। रैगिंग इसी के साथ करनी है, मर्डर जैसा कुछ नहीं करना है, रैगिंग करना बस। ओह जस्ट रैगिंग करना है, पुलिस केस नहीं चाहिए, बहुत प्रॉब्लम होती है। दीदी इसमें आप इन्वॉल्व है, मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता कि आप इन्वॉल्व है तो मैं कभी इन्वॉल्व नहीं होता। इनोसेंट की तरह ऐड कर रहे हो ना, मैं अच्छे से जानता हूँ। कैरी ऑन कैरी ऑन। सर आपकी भलाई के लिए एक बात कहना चाहूंगा सर। तो ये यहाँ पर क्लास का टाइम हो गया, अब चलो ना, चलो जल्दी चलो, तुम लोग जाओ, ठीक है जरा इसे झलक दे। आज बोला ना, चल हम लोग चलते हैं। ठीक से कर, दूसरी तरफ घूम के कर, सही सही कर। गुड मॉर्निंग सर। हाय। आपसे थोड़ी बात करनी है सर। क्या है बोल? पर्सनल मैटर है सर, बहुत जरूरी बात है। मुझे नहीं पता है फिर भी सब लड़कियाँ मुझ पर फिदा है, बुलाया मुझे, मेरा पर्सनल है तो इधर ही रुक। तुमने जब अकेले में बुलाया तभी मैं समझ गया कि तुम्हें किस चाहिए। अगर फिर किसी लड़की के साथ रैगिंग किया ना। नहीं दीदी, कभी नहीं करूंगा दीदी। मतलब दीदी आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक चुटकी बजाइए, मैं आ जाऊंगा। आपकी चुटकी मुझे सुनाई नहीं दी। अरे अरे नहीं यार, तूने कहा था ना इसलिए मैंने उसे जाने को। अच्छा क्या? नहीं आ जाएगा बोला तो। पर कब आएगा ये तो पता? हाँ कल कितना मजा आया ना। बाप रे।
वो क्या है ना, आज वो गेम मैं खेल रहा हूँ, डर आया है मुझे। हाँ? नहीं सर, प्लीज। मना करोगी तो मैं हार जाऊंगा। उस दिन मैंने तुम्हें जिताया था, आज तुम मुझे जिता दो। प्लीज सर, नहीं, सब देख रहे हैं। ए, सब लोग आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ए बुलबुल, तुम्हें हाँ? अलग से बोलो, मैं आंख बंद करो। ऐसे नहीं, ऐसे बंद करो। सबने आंखें बंद कर ली हैं, अब हमें कोई नहीं देख रहा है। चलो आ जाओ। ओके। मैं करता हूँ। राज सर के लिए क्लास में पूछा तो पता चला, जहाँ शशि सर होंगे वो वहीं मिलेंगे। शशि सर के बारे में पूछो तो राज सर का पता मिलता है। आपकी फ्रेंडशिप की तो सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। अब तुम भी हमारे साथ आ चुकी हो ना, अब तुमको भी लोग वहीं ढूंढेंगे जहाँ राज होगा। मैं म्यूजिक हॉल में वेट करता हूँ। यू गाइस कैरी ऑन। ओके 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 बाय गाइस, म्यूजिक रूम में चलो। मेरी लाइफ में एक शशि है तो मैं कितना खुश हूं। अगर तुम भी आ जाओगी तो चार चांद लग जाएंगे। लव यू शशि। बताऊं या नहीं? तुम्हारी आंखों में झलकने वाला प्यार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। हे राजू सर। हाय सर। हाय। ओके सर, क्लास जाना है। तू चल। एक्चुअली मुझे भी देर हो रही है। आई सी यू लेटर। बाय। हाय पापा। उदास क्यों है पापा, क्या बात है? पानी पी लीजिए। वो क्या है बेटा, विजयवाड़ा में ट्रांसफर हो गया है, हमें 2 दिन में जाना होगा। ये अचानक से ट्रांसफर क्यों हुआ? अचानक नहीं हुआ, वो तो कब से कह रहे थे, मैंने ही रोका हुआ था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, जाना ही पड़ेगा। और हाँ, मैंने वहां पर कॉलेज भी देख लिया तुम्हारे लिए। अचानक कॉलेज चेंज हो जाएगा तो मुश्किल होगी ना पापा, इस सेमेस्टर तक हॉस्टल में रहकर पढ़ लेती हूँ। तुमसे दूर रहना पड़ा तो मैं अपनी जॉब ही छोड़ दूंगा, पर तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा बेटी। ठीक है, मैं ये जॉब ही छोड़ देता हूँ। ये आप क्या बोल रहे हो जी, इतनी छोटी सी बात पर जॉब क्यों छोड़ना है? फिर भी तुम यहाँ रुककर क्यों पढ़ना चाहती हो, वहाँ और भी अच्छे कॉलेजेस हैं। अरे तुम चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो। ठीक है बेटी, मैं जॉब से रिजाइन कर देता हूँ। नहीं पापा, मैं चलूंगी। हाय शशि। क्या बात है, बड़ी उदास लग रही है।
अरे बताओगे तभी तो पता चलेगा। एक्चुअली मेरे पापा का विजयवाड़ा में ट्रांसफर हो गया है, कल ही जाना होगा। ये क्या अचानक से? मैंने सोचा कि मुझे एक अच्छी म्यूजिक पार्टनर मिल गई है और तुम जा भी रही हो। वो तो ठीक है, पर तुमने ये बात राजू को बताई? कल से राजू को देखे बिना कैसे रह पाऊंगी, ये सोचकर डर लग रहा है। क्या तुम उसे प्यार करती हो? तुम्हारी खामोशी से मुझे जवाब मिल गया। तुमने उसे बताया? तो क्या ये बात शादी के बाद बताओगी उसे? नहीं। ऐसे कुछ नहीं होगा, शाम को तुम नेकलेस पार्क में आ जाना, मैं उसे लेकर आता हूँ। बाय द वे, तुम जा रही हो जस्ट विजयवाड़ा, अमेरिका या लंदन नहीं जा रही हो? राजू के लिए सिर्फ एक इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हम दोनों हैं। कोई एक भी नहीं रहा तो वो पागल हो जाएगा। तुम खुश होकर घर जाओ और शाम को जल्दी आ जाना। ए, तू क्या हंस रहा है? राजू मेरे साथ चल। क्या हुआ? अरे चल ना, बताता हूँ। हे, कम से कम ये तो बता कि जाना कहाँ है। बताऊंगा तो मजा खराब हो जाएगा, देख कर एंजॉय करना। बिना बताए कैसे जाएंगे यार? उधर से लेफ्ट है। अब किस तरफ? आगे से राइट ले ले। अबे फोन किसका है? डैड का। हेलो डैड। हाँ बेटा, कहाँ हो तुम? हेलो डैड बोलो। शशि, अरे, हे, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। राजू, हे शशि, एक कहने पर मैंने पीना छोड़ दिया। हे, तुझे कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना यार। शशि, मैं हूँ यार, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना यार। शशि, तुमसे प्यार करती है। शशि, चल घर पे चल चल। तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? ये आ जाएगा। जबरदस्ती करनी पड़ेगी, अपने प्यार से इसकी जिंदगी खराब कर दी। अरे अब क्या हो गया? बचाई क्या है, आज ही पुलिस स्टेशन जाकर आया हूँ। इसकी हालत सोचता हूँ तो रात को नींद नहीं आती है मुझे। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे होते हुए इसे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये पिएगा, घूमेगा, जहां चाहिए वहां लफड़ा करेगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, और मैं अच्छे से कह रहा हूं, तुम इसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। अगर ये तुम्हारा बेटा होता तो भी तुम क्या इस तरह से रहने देते? भैया चलिए चलते हैं यहां से, चलिए। ये क्या बोल रहे हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे मेरे लिए ये भी मेरे बेटे के जैसा ही है। देखा, बहुत अच्छे से देखा, ये तुम्हारे सामने बिगड़ गया और तुम देखते रह गए। इसको समझाने के बजाय इसके साथ बैठ के दारू पीते हो? देखो मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करने नहीं आया, बस अपने भाई को यहां से लेने आया हूं। चल। लेकिन बेटा छोड़िए ना भैया, एक दिन अगर मैं घर नहीं आया तो आप मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ गए। मेरे लिए तो आप हमेशा सोचते हैं, लेकिन सेठ का कौन है? कोई भी नहीं। शशि के मरने के बाद सेठ पूरी तरह से बदल चुके थे, शराबी हो चुके थे। सेठ, कैसे कोई पीता है क्या सेठ? बचपन में उसने रोकर मुझ में जीने की आस जगाई थी, लेकिन अब तो वो आस ही खत्म हो गई। अब कौन है मेरा? मैं तो हूं ना,
मुझे अपना बेटा नहीं बल्कि मैं उन्हें अपना पिता मानता हूं। प्लीज आप यहां से चले जाइए भैया। बेटा कल इतना सब होने के बावजूद फिर भी यहाँ आए हो बेटा। अगर वो आ जाएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। मेहरबानी करके तुम जाओ। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं यहाँ आपसे झगड़ा करने नहीं आया। अभी मैं जिस शशि को देख रहा हूं 2 साल पहले वाली शशि दोनों एक ही हैं। लेकिन दोनों का नेचर एक जैसा नहीं। प्लीज बताइए ना आंटी क्या हुआ था। प्लीज हमारी शशि को तुम पहले से जानते हो। लव यू शशि। अपने जान से भी ज्यादा प्यारे दोस्त शशि को मैं गंवा चुका हूं। लेकिन जिस शशि को मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं उसे गंवाना नहीं चाहता। बताइए ना आंटी शशि के साथ क्या हुआ था। उस दिन बहुत खुशी से एक इम्पोर्टेंट काम कहकर गई थी। आपकी बेटी को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है। उसकी वजह से बॉर्डरलाइन इंटेलेक्चुअल रिटार्ड इश्यू हुआ है। इसका मतलब क्या है डॉक्टर? एवरेज में एक आम इंसान का आईक्यू लेवल 90 से 110 रहता है। लो एवरेज आईक्यू लेवल रहता है 80 से 90 के बीच। अब उनका आईक्यू लेवल 50 से भी कम है। आपकी बेटी फिजिकली 20 इयर्स की है और मेंटली बहुत छोटी सी बच्ची है। आपको उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तब से हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया, कई मन्नतें मांगी, लेकिन इसकी हालत में कोई बदलाव नहीं आया। मैं इस दुनिया में इसे कहीं भी लेके जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं अपनी शशि को पहले जैसा बनाऊंगा। प्लीज आंटी इसे मेरे साथ भेज दीजिए ना। क्या बोल रहे हो बेटा? इस हालत में रहने वाली लड़की को कोई भेजेगा क्या? आंटी प्लीज समझने की कोशिश करिए ना। समझती हूँ, इसलिए जो हुआ वो सब कुछ बताया तुम्हें। वो आ जाएंगे, परेशान मत करो। अब तो शशि को तुम छोड़ दो बेटा, प्लीज। मैं इससे प्यार करता हूं इसलिए आपने ऐसा बोला। अगर कहीं ये मेरी पत्नी होती तो भी ऐसा ही बोलती आप? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। शशि ये लो पी लो। अरे इतना गुस्सा करने के बाद भी तुम वापस आ गए बेटा। गुस्सा करेंगे, मारेंगे, ये सोच के मैं इससे प्यार करना छोड़ दूं क्या? शशि भी मुझसे प्यार करती थी मैं जानता हूं। अगर वो बातें इसे याद आ गई तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। प्लीज लेकर जाओ बेटा।
बेटा। हाँ। जल्दी ही लौटाऊंगा आंटी। चलो। रॉकी का क्या हुआ? अरे उसका तो कप का गेम कर दिया ना, एक दिन उसने अपने को टच कर दिया था तो उसका बराबर गेम बजा दिया अपन ने। भाई। अबे ओए। हे शशि उस तरफ देखो, कमाल का लग रहा है ना। उस दिन इसको सिर्फ टच किया था। अब कैसी है वो? मैं उसे बाहर लेके गया ही क्यों? अब बेटा तुम चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा। शशि बेटा क्या हुआ बेटी? डॉक्टर ये अचानक उठी और चक्कर खाकर गिर गई। आप लोग बाहर वेट करिए, आ जाओ। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। तुम कौन हो? इसका भाई हूँ। भाई? जब ये मेरी बेटी को लेकर गया था तो ये गलत कर रहा है, तुमने इसे समझाया नहीं? ओ अगर ये छिछोरा है तो इसका बड़ा भाई भी कितना बड़ा छिछोरा होगा। अंकल आपका गुस्सा मुझ पे है, मुझे जो बोलना है बोलिए, मेरे भैया को कुछ मत बोलिए। भाई के लिए बुरा लग रहा है। डॉक्टर बताइए ना मेरी बेटी अब कैसी है? डोंट वरी, नथिंग सीरियस, अब वो ठीक है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। हम उसे देख सकते हैं क्या? उसे एक इंजेक्शन दिया है, थोड़ा ड्राउजी लगेगा, एक दो घंटे बाद आप उसे लेकर जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, इट्स ओके। तुम अंदर जाकर शशि को देखो। ठीक है। मेरी बेटी की आंख खुलने से पहले तुम यहां से चले जाओ। अगर मुझे जाना ही होता तो जब आपने मेरे मुंह पे कॉफी फेंकी थी तभी मैं चला जाता। मैं शशि से प्यार करता हूं,
समझने की कोशिश करिए अंकल। जानता हूं, मुझे ये बात 2 साल पहले ही पता चल गई थी। लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन ये बात उसे बताकर मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने ट्रांसफर करा लिया था। सोचा था दूर रहेगी तो तुम्हें भूल जाएगी, लेकिन सब कुछ भूल जाएगी ऐसा नहीं सोचा था। क्या कहा था कि तुम प्यार करते हो उससे? मैं भी तो उससे बहुत प्यार करता हूं। बचपन से मैं उसके सारे शौक पूरे करता आ रहा हूं, उसकी खुशियां पूरी करता आ रहा हूं। बहुत प्यार से पाला है उसे, किसी को ऐसे उठाकर नहीं दे सकता। आज तक उसे बेस्ट ही दिया है। तुम जैसे लड़के का प्यार पाकर वो थोड़े दिन के लिए खुश हो सकती है, लेकिन मेरे जैसा पिता उसे प्यार देकर पूरी जिंदगी खुशी दे सकता है। यही सोचकर मैंने 2 साल पहले उसके लिए राहुल को पसंद किया था। मेरी बेटी मेरी जिगर का टुकड़ा है, इसीलिए मैं उसके अच्छे भविष्य के बारे में सोचता हूं। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसका अच्छा ही चाहोगे। मणिमा, बेटी आई है। माँ, इन 2 सालों में राज नाम का लड़का मेरे बारे में पूछने आया था। नहीं नहीं बेटी, कोई नहीं आया था। क्यों, कोई आया था क्या? कोई नहीं आया था बेटी। मणिमा, कमरा साफ कर दिया क्या? चलो बेटी। शशि, लो दवाई खा लो बेटा। हम लोग जितने छोटे होते हैं हमारी प्रॉब्लम्स भी उतनी कम होती है ना माँ। तुम क्यों परेशान हो जाती हो मैं जानती हूँ। राज के लिए ना तुम्हारे पापा ने तुमसे झूठ बोला है। तुम्हें ढूंढते हुए राज आया था। मैं नहीं जानती तुम्हारे पापा ने उसमें क्या देखा, पर मैंने तो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार देखा है। प्यार करते वक्त लड़की को पत्नी की तरह, शादी के बाद प्रेमिका की तरह देखने वाले आदमी कम होते हैं, लेकिन राजू तुम्हें ऐसे ही देखेगा। आपने जब प्रपोज किया था उसका जवाब देने से पहले ही हमारे बीच इतनी दूरी आ जाएगी नहीं सोचा था। आपको देखे बिना मैं 2 दिन भी नहीं रह पाती थी, और ऐसे में अब 2 साल कैसे रह गए। अब हमें दूर नहीं रहना चाहिए, शादी कर लेते हैं। चलिए। शादी? तुम्हें लग रहा है 2 दिन हुए इसलिए तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो। मेरे लिए 2 इयर्स का गैप है। दरअसल हम दोनों के बीच में काफी कुछ बदल चुका है। मैं नहीं मानती हूँ। भरोसा और सच दोनों आंखों की तरह होते हैं, पास रहते हुए भी कभी एक नहीं हो पाते। प्यार का मतलब ये नहीं कि मिलकर निभाया जाए। प्यार तो बिना शर्तों के होता है। ये कहिए कि असली प्रॉब्लम मेरे पापा है। मेरे पापा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शादी के बाद वो पहले बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे। अपने पापा के गुस्से के बारे में इतनी आसानी से बता दिया, आखिर जानती क्या हो अपने पापा के बारे में? जब लोग कहते थे कि प्यार अंधा होता है तो मुझे हंसी आती थी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया। एक बार आंखें खोल के देखो, मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हारे पापा तुम्हें प्यार करते हैं। बचपन से लेके अभी तक तुम्हारी सारी खुशियों पूरा करने की कोशिश करते रहे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अगर मैं सच कहूं तो उनके 20 साल के प्यार के आगे मेरा 2 साल का प्यार कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं शशि, हमसे प्यार करने वालों को कभी तकलीफ नहीं देना चाहिए। पर अब तो आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं ना।
सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। मुंबई मत जाओ बेटा, मेरी बात मानो। बड़े तुम तो समझाओ ना इसे। जब कुछ करता नहीं था तो सब चिल्लाते थे, जब कुछ करने जा रहा हूँ तो रोक क्यों रही हूँ माँ? बेटी शशि ये देखो। क्या बात है, इतनी उदास क्यों बेटी? पसंद नहीं है? आपने जब पसंद कर ही लिया है तो पूछने का क्या फायदा पापा? एक बात कहूँ, सुनोगे क्या? आपके पसंद के लड़के के साथ शादी है, इसलिए उसके चेहरे पर खुशी नहीं है, इस शादी में रौनक नहीं है। ससुराल जाते वक्त हर लड़की रोते हुए ही जाती है, अगर वही उसके पसंद से शादी हो तो वो बड़ी खुशी से जाती है। कहाँ जा रहे हो आप? यहाँ कैसे? पहले ये बताओ कि कहाँ जा रहे हो? कल आपने ही तो मुझसे पूछा था क्या करते हो, कितना कमाते हो। आपकी तरह किसी और ने पूछा तो जवाब तो होना चाहिए ना। इसीलिए मुंबई जा रहा हूँ। वैसे आज आपकी बेटी की शादी है ना, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सारी लड़कियों की तरह मेरी बेटी ने भी प्यार किया। उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से कर दूंगा तो वो तुम्हें भूल जाएगी, मैंने ऐसा सोचा था। लेकिन जब शादी फिक्स हुई तो पता चला कि वो खुश नहीं है। पलकों पर रख कर पाला है मैंने उसे, शादी के बाद भी वो खुश रहे यही एक पिता की सोच होती है। वो नहीं जानता कि उसकी खुशी किस में होती है। पिता को लगता है कि वो अपनी बेटी के लिए अच्छा कर रहा है। वैसे तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो ना, फिर उसे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? दोबारा जब मैंने शशि को देखा तो मुझे लगा मेरी जिंदगी मिल गई, और जब आपने बोला कि शशि को छोड़ के चले जाओ तो मैंने शशि को नहीं छोड़ा, अपनी जिंदगी को छोड़ा। बचपन में शशि को जो भी पसंद आता था मैं उसे देकर बहुत खुश होता था। बड़ी होने के बाद उसकी खुशी जानते हुए भी उसे ना देकर रुला रहा हूं। शशि का होने वाला पति अच्छा पैसा कमाता हो, उसके पास कार हो, अच्छा घर हो, यही मैंने सोचा था। तुम्हारे पास वो सब कुछ नहीं है। अपने दोस्त से किए हुए वादे के लिए मैंने अपना कैरेक्टर बदल लिया। शशि से इतना प्यार करते हो और उसकी शादी किसी और के साथ होने दे रहे हो? तुम मेरी बेटी के लिए सही नहीं हो, उसे छोड़ दो, मैंने ऐसा कहा तो तुम उसे छोड़कर जा रहे हो? सुनो, ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मेरी बेटी से शादी कर लो। अरे अंकल, आप क्यों मुझसे माफी मांग रहे हैं? चलो आओ मेरे साथ। मैं जान सकता हूं कि ये क्या चीज है? अपना दर्द कम करने के लिए वाटर में क्वार्टर मिक्स कर दिया था। अब तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा, अब इसकी जरूरत नहीं। बेटा, अंधेरा मिटाने के लिए चांद की तरह शशि तुम्हारी जिंदगी में आ गई है। हमसे जो प्यार करते हैं उन्हें कभी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, बोला था ना? तो फिर
मुझे छोड़कर क्यों जा रहे थे? वो क्या है कि वहाँ ट्रुथ और डेयर का गेम खेल रहा था। किस करने का डेयर मिला तो मैं वापस आ गया। प्यार में दिल हुआ दीवाना, प्यार में हम हुए तेरे जाना, प्यार में मौसम हुआ सुहाना।